बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के घर पर रविवार को हुई फायरिंग से महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक सनसनी फैल गई। सलमान खान के घर पर जब फायरिंग हुई तो सलमान घर के अंदर मौजूद थे। ये तस्वीर देखिए, 11 अप्रैल को ईद के मौके पर सलमान खान ने घर की बैल्कनी में आकर फैंस को बधाई दी थी और उसके ठीक 3 दिन बाद उसी बैल्कनी पर फायरिंग की गई। आप देखिए जहां पर सलमान खान खड़े हैं वो 3 दिन पहले की तस्वीर है और सोचिए 3 दिन बाद उसी बैल्कनी के बगल में फायरिंग, देखिए दीवार में गोली के निशान। अब इस मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे बड़े चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। हालांकि अभी भी कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलने हैं, जैसे सलमान खान के घर पर शूटिंग किसने की, शूटिंग ये फिल्मों वाली शूटिंग नहीं, फायरिंग किसने की, फायरिंग करने वालों का मकसद क्या था, सलमान के घर पर गोली चलाने का आदेश कहां से आया था, सलमान के पीछे पड़े 4 गैंगस्टर्स कौन हैं, क्या फायरिंग के बाद सलमान खान अपने घर बदलने वाले हैं, यह भी सवाल खड़ा हो रहा है। सलमान खान मुंबई के बांद्रा इलाके में गैलेक्सी अपार्टमेंट में रहते हैं और आज से नहीं सालों से रह रहे हैं और रविवार सुबह 5 बजे के करीब सलमान के घर पर 2 हमलावरों ने गोलियां चलाई। दोनों हमलावर जो आपको दिख रहे हैं सीसीटीवी फुटेज में, दोनों हमलावर सीसीटीवी फुटेज में गोली चलाते हुए कैद हो गए। सलमान खान के घर यानी गैलेक्सी अपार्टमेंट के सामने दोनों हमलावर बाइक पर बैठकर गोली चलाते हुए निकल गए। ये उसी वक्त की तस्वीर बताई जा रही है। आप देखिए ना तस्वीर जिसमें सलमान खान के घर की दीवारों पर गोलियों के निशान दिख रहे हैं, इसमें से एक गोली उस बैल्कनी के पास दीवार पर लगी है जहां से अक्सर सलमान खान अपने फैंस को का अभिवादन करने के लिए आते हैं। बगल में इधर बैल्कनी है, इधर गोली लगी है, ये देखिए गोला बना रहा है ना, वही गोली लगी है। सलमान खान के घर पर फायरिंग के बाद मुंबई पुलिस फौरन एक्टिव हुई और मामले की जांच शुरू की। सलमान के घर पर 4 राउंड फायरिंग हुई है, 4 राउंड। फायरिंग के वक्त सलमान खान घर पर ही थे, पुलिस को घर के बाहर जिंदा कारतूस मिला, फायरिंग करने के बाद हमलावर फरार हो गए। सलमान खान जिस गैलेक्सी अपार्टमेंट में रहते हैं वहां आमतौर पर एक पीसीआर वैन हमेशा खड़ी रहती है, लेकिन 14 अप्रैल को सुबह 5 बजे वहां पर पीसीआर वैन नहीं थी। इस मामले में पुलिस ने अब तक 2 लोगों को हिरासत में भी लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है। पुलिस ने सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने वाले की पहचान विशाल उर्फ कालू के रूप में की है। तस्वीर देखिए, विशाल उर्फ कालू, पुलिस कह रही है कि इसी ने फायरिंग की। फायरिंग के बाद विशाल की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई थी जिसके आधार पर पुलिस इसकी तलाश कर रही है। इस तस्वीर में एक हमलावर काली जैकेट और सफेद टी शर्ट में नजर आ रहा है जबकि इसके पीछे दूसरा लाल टी शर्ट में है, यही विशाल उर्फ कालू है। विशाल के साथ उसका एक साथी भी दिख रहा है, हालांकि अभी उसकी पहचान नहीं हो पाई है। आपको विशाल के बारे में बताता हूं कि आदमी है कौन। विशाल कालू गुरुग्राम के सेक्टर 5 का रहने वाला है, 2016 से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ काम कर रहा है। लॉरेंस के करीबी रोहित गोदारा के साथ जुड़ा हुआ है। इसी साल मार्च में सचिन मुंजाल की हत्या रोहतक में हुई थी। स्क्रैप कारोबारी सचिन मुंजाल की हत्या में विशाल का नाम भी आया था। विशाल उर्फ कालू कोई मामूली शूटर नहीं था बल्कि वो पहले भी हत्या कर चुका है और इसी वजह से सलमान के घर पर फायरिंग के लिए विशाल को कहा जा रहा है कि चुना गया। बिश्नोई गैंग ने विशाल को अपनी गैंग में उस समय जोड़ा जब ये छोटी मोटी चोरी और लूटपाट जैसे अपराध करता। बिश्नोई गैंग का ये पैटर्न रहा है कि ये जेल में बंद उन लड़कों को अपने साथ जोड़ते हैं जो पैसों के लिए बड़े अपराध करने को तैयार हो जाते हैं। फायरिंग की घटना पर सलमान खान के भाई अरबाज खान ने पहली प्रतिक्रिया दी। अरबाज खान ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि सलीम खान की फैमिली के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर बाइक सवार 2 अज्ञात लोगों की गोलीबारी बहुत परेशान करने वाली है। इस घटना से हमारा परिवार सदमे में। इस घटना को लेकर हमारे परिवार के किसी भी सदस्य ने मीडिया के सामने कोई बयान नहीं दिया है। कुछ लोग जो हमारे परिवार के करीबी होने का दावा कर रहे हैं वो मीडिया में गलत बयान दे रहे हैं कि यह घटना पब्लिसिटी स्टंट है और इस घटना का परिवार पर कोई असर नहीं पड़ा। हम इस समय घटना की जांच में पुलिस का सहयोग कर रहे हैं। हमें मुंबई पुलिस पर भरोसा है और हमें आश्वासन दिया गया है वे हमारे परिवार की सुरक्षा के लिए अपनी क्षमता से सब कुछ करेंगे। सलमान खान के घर पर फायरिंग की जांच के लिए मुंबई क्राइम ब्रांच ने कई टीमें भी बना दी हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच की 3 टीमें दिल्ली, बिहार और जयपुर पहुंची हैं। पुराने क्रिमिनल रिकॉर्ड के आधार पर जानकारी निकाली जा रही है। गुरुग्राम में विशाल कालू के घर पर भी पूछताछ की गई है। 6 राज्यों महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और बिहार में शूटर्स की तलाश की जा रही है। गुरुग्राम में विशाल कालू के घर पर पुलिस गई और परिवार के लोगों से पूछताछ की। विशाल कालू की बहन ने कहा कि वो लोग खुद परेशान है कि विशाल कहां है। सलमान खान के घर पर फायरिंग करने का आदेश कहां से आया
यह आपको बताऊंगा, लेकिन पहले उस वारदात में शामिल पांच गैंगस्टर कौन है आपको यह भी बताता हूं, जो सलमान खान की जान के दुश्मन बने हुए हैं। पहला नाम बताया जा रहा है लॉरेंस बिश्नोई का, जो जेल में बंद है। अनमोल बिश्नोई, यह अमेरिका में रहता है। तीसरा नाम है गोली बराड़ का, यह कनाडा में रहता है। गोल्डी बराड़ का। रोहित गोदारा, यह अमेरिका में रहता है। और फिर काला जठेड़ी, यह जेल में बंद है। पुलिस भी इन पांचों को केंद्र में रखकर अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। सलमान के घर के बाहर फायरिंग की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पर लेटर के जरिए ली। इन्होंने जिम्मेदारी भी ले ली है कि हमने ही चलाई। उस पोस्ट में इन पांचों के नाम भी लिखे हुए हैं, हालांकि पुलिस ने अभी तक इस लेटर को कंफर्म नहीं किया है। गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फायरिंग के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से जो पोस्ट डाला गया, उसकी शुरुआत मशहूर शायर और गीतकार साहिर लुधियानवी के शेर से हुई। और इसमें लिखा गया कि हम अमन चाहते हैं, जुल्म के खिलाफ फैसला, अगर जंग से हो तो जंग ही सही। आगे इन्होंने लिखा कि सलमान खान, हमने ये तुम्हें ट्रेलर दिखाने के लिए किया है, ताकि तुम समझ जाओ हमारी ताकत को और मत पर को। ये पहली और आखिरी चेतावनी है, इसके बाद गोलियां खाली घर पर नहीं चलेंगी। और जिस दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील को तुमने भगवान मान रखा है, उसके नाम के हमने दो कुत्ते पाले हुए हैं, बाकी ज्यादा बोलने की मुझे आदत नहीं। ये उस पोस्ट में लिखा। इस सोशल मीडिया पोस्ट के नीचे लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप, गोल्डी बराड़, रोहित गुदारा, काला जिठाड़ी का नाम लिखा हुआ है। सलमान खान के घर पर फायरिंग करने से पहले बिश्नोई गैंग ने सलमान खान को कई बार धमकी दी थी, लेकिन इस बार बिश्नोई गैंग ने धमकी देने की बजाय ट्रेलर दिखाने का प्लान बनाया। ये पूरी प्लानिंग कैसे की गई और इसमें कौन कौन इन्वॉल्व था, वो भी आपको बताता हूं। कहा जा रहा है कि एक महीने से सलमान के घर फायरिंग की प्लानिंग रची जा रही थी। लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई, जो अमेरिका में रहता है, उसने इसकी जिम्मेदारी रोहित गुदारा को दी, बताया गया। रोहित गोदारा भी अमेरिका में रहता है और वहां से सारे काम करता है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग में शूटर्स का सबसे बड़ा नेटवर्क रोहित गोदारा का ही है। रोहित गोदारा ने ही पिछले साल दिसंबर में जयपुर में सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी की हत्या करवाई थी। सलमान के घर फायरिंग के लिए शूटर्स का सिलेक्शन रोहित गोदारा ने किया, बताया गया। रोहित गोदारा ने विशाल कालू और एक दूसरे शूटर का इंतजाम किया। रोहित गोदारा ने ही दोनों शूटर्स को हथियार भी मुहैया करवाए थे। ये अभी तक की जो जानकारी निकल कर आ रही है, उसके हिसाब से आपको बता रहा हूं। शूटर्स और हथियार का इंतजाम होने के बाद अब सलमान के घर पर फायरिंग की तारीख तय होनी थी, यानी अमेरिका में बैठे बैठे मुंबई में सलमान खान के घर पर हमले की प्लानिंग हो गई, जिसके बाद दोनों शूटर मुंबई पहुंच चुके थे। विशाल कालू और दूसरा शूटर पिछले 15 दिन से कहा जा रहा कि मुंबई में ही रह रहे थे। विशाल कालू के सहयोगी शूटर ने रायगढ़ से एक सेकेंड हैंड बाइक खरीदी। सलमान खान के घर के बाहर कई बार शूटर्स ने रेकी भी की। 14 अप्रैल को बताया जा रहा है कि बाइक से दोनों शूटर सलमान खान के घर के बाहर पहुंचे। दोनों शूटर्स ने सलमान के घर पर फायरिंग की और फरार हो गए। सलमान के घर पर जिस तरह से हमला किया गया, उससे दो बातें समझी जा सकती है। पहली तो यह कि फायरिंग सिर्फ सलमान खान को धमकाने के लिए की गई, क्योंकि ईद के मौके पर सलमान खान खुद ही बैल्कनी में आए थे। अगर मारना ही होता तो शायद उस दिन करते। दूसरा, सोशल मीडिया पर भी पोस्ट लिखा हुआ है कि अभी ये चेतावनी है। सलमान खान के घर पर फायरिंग करने के बाद दोनों शूटर्स किस तरह से फरार हुए, उसकी जानकारी भी आपको देता हूं। पुलिस के मुताबिक हमलावर बाइक से करीब 1 किलोमीटर दूर तक गए। वहां माउंट मेरी चर्च के पास हमलावरों ने बाइक को छोड़ दिया। बाइक छोड़कर हमलावर ऑटो पकड़ के बांद्रा स्टेशन पहुंचे। बांद्रा स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से बोरीवली के लिए उन्होंने लोकल पकड़ी। 5:13 पर हमलावर सांताक्रूज स्टेशन पहुंचे। सांताक्रूज स्टेशन से दोनों हमलावर वकोला की तरफ निकले। सांताक्रूज स्टेशन से बाहर निकलते समय उनकी जो ये फोटो आप देख रहे हैं, ये सीसीटीवी कैमरे में कैद। पुलिस अब इसके आगे के सीसीटीवी कैमरे चेक कर रही है, ताकि शायद कोई सुराग उन्हें मिले। सलमान खान सालों से गैलेक्सी अपार्टमेंट में रह रहे हैं। सलमान खान का पूरा परिवार भी इसी अपार्टमेंट में रहता है। सलमान खान करीब 40 साल से गैलेक्सी अपार्टमेंट में रह रहे हैं। गैलेक्सी अपार्टमेंट के ग्राउंड फ्लोर पर सलमान खान रहते हैं। सलमान खान का 1 BHK फ्लैट एल शेप में। सलमान के पेरेंट्स गैलेक्सी अपार्टमेंट के पहले फ्लोर पर रहते हैं। हर बार ईद के मौके पर सलमान खान फर्स्ट फ्लोर की बैल्कनी में आकर अपने फैंस से मिलते हैं। इस बैल्कनी की ऊंचाई सड़क से बहुत ज्यादा नहीं है। आप देखिए ना, आपको खुद ही दिख रहा है कि सड़क और बैल्कनी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, इसलिए बैल्कनी को हमेशा ढककर रखा जाता है। इसके नीचे कुछ दुकानें हैं जहां लोगों को आना जाना भी लगा रहता है। सलमान खान के पूरे परिवार के लिए गैलेक्सी अपार्टमेंट बहुत छोटा है।
इसके अलावा सिक्योरिटी के लिहाज से भी इस जगह की बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि सलमान के घर पर चलाई गई गोली घर के अंदर भी जा सकती थी। अगर मैं आपको ये तस्वीर दिखाऊं, जरा यहां डालिए, ये तस्वीर दर्शकों को दिखाते हैं कि किस तरह से, बिल्कुल आप समझिए कि बहुत बड़ा खतरा था सलमान खान के लिए। अगर आप देखेंगे ये तस्वीर, देखिए ये वो बैल्कनी है जो ढकी हुई है, जहां पर सलमान खान आते हैं और वहां पर वो ईद की बधाई देते हैं, दर्शकों का अभिवादन करते हैं। ये खिड़की है, एक गोली कहा जा रहा है कि ये इस खिड़की के आसपास लगी है, ये दूसरी खिड़की है, और ये देखिए यहां पर जो गोली का वो गोला बना रहा था उसको यहां पर ये चढ़ा हुआ व्यक्ति फॉरेंसिक वाला होगा, और यहां पर गोली लगी, मतलब यहां बैल्कनी और यहां पर गोली लगी। अब या तो जानबूझ के यहां मारा है या चलते चलते चला रहे थे इसलिए यहां गोली लगी, कहा नहीं जा सकता। लेकिन यहां खिड़की है, खिड़की से भी गोली अंदर गई होती तो कांड हो सकता था, कौन कहां है क्या पता। तो इसलिए बड़ी खतरनाक घटना हुई है, और इसमें सलमान खान के लिए भी और उनके परिवार के लिए भी बड़ा संकट का वक्त, और वो लोग कह ही रहे, अरबाज खान कह रहे हैं कि बड़ा हम लोग घबराए हुए हैं भाई, लेकिन पुलिस कह रही है कि सब ठीक हो जाएगा।